पंचकुला में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत उन्होंने सेक्टर 11 की मार्केट से दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दोनों चोर बंद मकानों से लेकर दुकानों तक के ताले तोड़ने में माहिर हैं, जिन्होंने सेक्टर 9 और 10 में भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। वहीं सब इंस्पेक्टर जगदीश धरनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन चोरों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में इन दोनों ने एक एसी की दुकान से तांबे की तारें और पाइप चोरी किए हैं, जो कि हमने इनसे बरामद कर लिए हैं। मैं इंचार्ज पुलिस चौकी सेक्टर 10, मैंने और मेरी टीम ने, जिसमें ये एचसी हनुमंत सिंह और एचसी जसविंदर सिंह वाने मुलाजमाओं की इमदाद से कल शाम को हमने इन दोनों साथी चोरों को पकड़ा था। हमारे यहाँ कई मुकदमे दर्ज हैं, जो मुकदमा नंबर 221/23, जिसमें इन्होंने मार्केट सेक्टर 11 के जो बूथ मार्केट है उससे एसी की पाइपें जो कॉपर की बनी हुई हैं और तांबे की तारें वो सारी चोरी की हैं। इसके अलावा सेक्टर 9 में 10 में और घरों की चोरियां भी इन्होंने मानी हैं, जिनको आज पेश अदालत कराया जाएगा और इनका रिमांड हिरासत पुलिस 3 दिन लिखा है, जो अदालत जितना रिमांड देगी उसी हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जगदीश जी, अक्सर पंचकुला में काफ़ी वारदातें देखने को मिलती है, चेन स्नैचिंग होगी या इस तरह की चोरी, तो हरियाणा पुलिस अगर आम जन को मदद करना जैसे उनको क्या है। मैं इस चौकी में पिछले 1.5 महीने से हूँ। इससे पहले हमने एक चैन जो मोबाइल स्नैचिंग का गिरोह था वो भी पकड़ा था, जिसमें 2 आरोपियों को हमने पकड़ा था और 4 मुकदमे हमारे ट्रेस हुए थे। उससे पहले साइकिल चोर पकड़े थे, उसमें भी हमारे 5 मुकदमे ट्रेस हुए थे। पिछले 1.5 महीने में हमने काफ़ी कोशिश की है और जो भी फरियादी आता हम उसी टाइम पर्चा दर्ज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चोरियाँ ट्रेस हों और उनमें बरामदगी हो। अब तक की हमारी बरामदगी 100% है चोरी में और आज इनका रिमांड लिया जाएगा और इनसे आगे चोरी की जितना भी माल है वो बरामद किया जाएगा। ये सेक्टर 11 और 12 की डिवाइडिंग पे आज भी चोरी करने के इरादे से थे, जिनको गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा हो सके, साथ ही उनके साथ शामिल लोगों की भी जानकारी हासिल की जा रही है। पंजाब केसरी के लिए चंद्रशेखर धरणी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।